कैसे हुआ उस विषय को मैं पढ़ कर बताने जा रही हूँ, और जो पैराग्राफ है बस सिर्फ उसी को मैं पढ़ूँ, बाकी को छोड़ विनय के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाए। व्यक्ति किस तरह स्वयं को निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज व्यक्ति की जो व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज के पूर्ण निर्माण की चर्चा है। क्या व्यक्ति का पूर्ण निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है, और यदि सारा समाज झूला लगा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। किंतु फिर समाज में तो व्यक्तियों का ही समूह है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाए। और धर्म में सम्यक व्यायाम के चार अंक है। इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण ना आ जाए। इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाए। इस बात की सावधानी रखना कि अपने में संतुलन चले जाए। इस बात की सावधानी रखना कि अपने संतुलन चले ना जाए। बाद में यदि अच्छे फल फूल न लग पाया जाए और जमीन की यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के खाद बुखार ही उगाते हैं। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहे और सद्गुण नहीं आए। इसलिए यदि सद्गुणी कार्यक्रम को घटाकर इसमें केवल दो अंगों को दूर करने और सद्गुणों को अपनाने को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। धर्म जानता हूँ कि इसमें प्रवृत्ति नहीं है, धर्म जानता हूँ इसमें निवृत्ति नहीं है। एक आदमी कोई उलट पर गई सिगरेट पीने की तो सही है, अत्यधिक सिनेमा देखने की सही है। बेचारा बहुत संघर्ष करता है, बहुत कसमें खाता है कि अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा, किंतु समय आने पर जैसे आप ही आप आगे बढ़ जाते। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उसे दूर रहने की दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उसे दूर दूर रहने की कसमें खाते हैं तभी आप उसी का चिंतन करते हैं। चोरी न करने का संकल्प भी चोरी का ही संकल्प है, पक्ष में न सही कि पक्ष में ही सही। ऐसे चोरी के ही बारे में चोरी न करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। आपकी प्रवृत्ति चंचल है, आप अपने गंभीर स्वभाव को भावना करें। ऐसा अवकाश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्र देखें, अचित काल में ही आपकी प्रकृति बदल जाएगी। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है, यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या करेगी। कोई समूह अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों को ख्याल नहीं करता है, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है तो यह असंभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने स्वच्छ वायु व्यायाम सभी को जगह नहीं ले सकती। जो बलवान बनने की सच्ची भावना करेगा वह अपने खाने पीने स्वच्छ वायु और ज्ञान की चिंता भी करेगा। इन अर्थों में भावना को स्वार्थ साधिकार कहा जा सकता है। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है जिसे जैन और धर्म हिंदू सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में स्थान दिया है। सभी के प्रति मैत्री, गुरियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा, सत्य इससे बढ़कर भ्रमा विचार की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी अपने कॉपी में उतार कर